ऑल राइट फ्रेंड्स, सो सबसे पहला जो आपको चैप्टर पढ़ना है, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताया, इसके बाद सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज व्हाट इज योर प्रोसेस कॉस्टिंग। ओके, नाउ सबसे पहला बात आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। ये मैंने आपको 6.1 पेज से स्टार्ट अपना हो रहा है, 6.1, दिस इज योर चैप्टर नंबर 6। हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले फ्रेंड्स, दिस इज योर चैप्टर नंबर 6 इज ए प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 6 आपका हो जाएगा। 6.1 पे आपको दे रखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस, इट इज द नेम ऑफ द टेक्निक टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स। इन दिस प्रोसेस आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, बट आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे अच्छे फैकल्टी को, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को ये डिफरेंशिएट करना नहीं आता है कि व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट एंड व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट। ये अगर आपने समझ लिया कंसेप्ट, अगर मेरा आपने समझ लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल कॉस्ट, दिस इज योर नॉर्मल कॉस्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट और नॉर्मल कॉस्ट, ये दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको ये जजमेंट करना है कि वेदर दिस लॉस इज ए कंट्रोलेबल और वेदर दिस लॉस इज ए अनकंट्रोलेबल। आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है, दिस इज नॉर्मल लॉस है और एक आपका रहेगा एबनॉर्मल लॉस। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, अगर ये आ गया तो कॉस्टिंग में कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्मल मींस क्या होता है, दैट इज योर अनकंट्रोलेबल लॉस, और ये आपका क्या रहेगा, दिस इज योर कंट्रोलेबल लॉस। अनकंट्रोलेबल इसका मतलब यू चार्ज टू कस्टमर, चार्ज टू कस्टमर, और कंट्रोलेबल लॉस है, इट मीन्स यू चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहला आपका बात आता है कॉस्टिंग के अंदर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो लॉस है दैट लॉस इज ए नॉर्मल अनकंट्रोलेबल है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसका मतलब कस्टमर से ही लेना पड़ेगा हमको। और अगर हम लोग एबनॉर्मल लॉस है, हमारी वजह से लॉस हुआ है, देन यू चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। सपोज आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप टैक्सी के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, बराबर, टैक्सी वाला इधर उधर देख रहा है और उसने सिग्नल तोड़ा और 100 रुपीज उसने पुलिस वाले को दिए एज ए पेनल्टी। कैन ही रिकवर दैट 100 रुपीज फ्रॉम यू, विच टाइप ऑफ लॉस इज दिस, दिस लॉस इज ए एबनॉर्मल लॉस। अगर आपकी वजह से लॉस हुआ है, कंट्रोलेबल लॉस था, अगर वो चाहता बराबर देख के चला था टैक्सी को तो आपको ये लॉस नहीं होता था, इसका मतलब अगर कंट्रोलेबल लॉस है, आपकी वजह से ये लॉस हुआ है, तो आपको कहाँ चार्ज करना पड़ेगा, आपको चार्ज करना पड़ेगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। आपको कहाँ चार्ज करना पड़ेगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, बिकॉज दिस इज योर एबनॉर्मल लॉस। ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर एबनॉर्मल लॉस, बराबर। तो आपको ये देखना है कि ये आपका कौन सा हो गया, एबनॉर्मल लॉस। लेकिन कभी कभी लॉस ऐसा होता है कि नहीं भाई आपको देना ही पड़ेगा करके, ना देना ही पड़ेगा, मतलब ये जो लॉस हो रहा है वो कस्टमर की वजह से नहीं हो रहा है। जैसे सपोज अगर बहुत बहुत ध्यान से समझना एग्जांपल को, आपके पास कोई कस्टमर आता है, बराबर, वो आपको बोलता है कि भाई मुझे एक प्रोडक्ट खरीदना है, उस प्रोडक्ट को बनाने में आपको 7.5 टाइम लगता है। कितने आवर्स आपको लगते हैं, 7.5 आवर्स। कोई भी कस्टमर आपके पास आता है और आपको बोलता है कि मुझे एक प्रोडक्ट बना के दे दो, और आपको पता है कि ये 7.5 आवर्स इसको बनाने में लगेंगे। तो आपके वर्कर का जो पगार है वो है 10 रुपीज पर आवर, ही इज वर्किंग ऑन आवरली बेसिस, और इस प्रोडक्ट को बनाने में आपको कितना टाइम लगता है, 7.5। तो क्या कस्टमर से आप 75 रुपीज चार्ज करोगे,
आप तो बोलोगे सर 7.5 आवर्स लगता है और 10 रुपीज पर आवर का मेरा कॉस्ट है, इसका मतलब 75 में चार्ज करूंगा। अरे भाई आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वर्कर 7.5 आवर्स काम करता है, अगर वर्कर 7.5 आवर्स काम करता है तो एज पर इंडियन लेबर लॉ मुझे हाफ एन आवर क्या देना पड़ेगा, लंच टाइम। इसका मतलब वो 7.5 आवर्स काम करेगा, 5 आवर्स मेरा क्या हो गया, नॉर्मल लॉस, इट इज अनकंट्रोलेबल। मुझे हाफ एन आवर का ब्रेक देना ही पड़ेगा, इसका मतलब मुझे पेमेंट कितने का करना पड़ेगा, 8 आवर्स का। मुझे पेमेंट कितने का करना पड़ेगा, 8 आवर्स का, लेकिन काम वो कितना करेगा, 7.5। हाफ एन आवर मेरा क्या हो जाएगा, इज ए लंच टाइम। मैं आपको बताऊंगा लेबर के टाइम पे, फिर ये सेपरेट टॉपिक। इसका मतलब ये लॉस आपका क्या हुआ, अनकंट्रोलेबल लॉस। तो कस्टमर से आपको क्या लेना पड़ेगा, 8 × 10 इट मींस 80 रुपीज, 80 रुपीज चार्ज टू कस्टमर। ये आपको माइन्यूटली डिफरेंस करना है, मेरी वजह से लॉस हुआ है एबनॉर्मल लॉस है, कस्टमर की वजह से लॉस हुआ है नॉर्मल लॉस है, वो आपको चार्ज करना पड़ेगा। ओके, बहुत ध्यान से कंसेप्ट को अगर आप समझेंगे ना आपका काम हो जाएगा। देखो कभी आपने आपकी लाइफ में शुगर केन जूस के सेंटर पे शुगर केन जूस का ग्लास पिया है, आपको याद है प्रोसेस, ये एक प्रोसेस रहती है, दिस इज प्रोसेस, बराबर। यहां से आप इनपुट डालिए शुगर केन, ओके, यहां पे प्रोसेस होगा, यहां पे एक साइड आपका क्या निकलेगा, स्क्रैप, और एक यहां पे आपका क्या रहता है, दिस इज योर पॉट, और पॉट के अंदर क्या जाएगा, जूस। आपका पॉट के अंदर क्या जाएगा बोलो, जूस जाएगा, सही आसान है। इनपुट यहां पे डालेंगे, आपको याद है यहां पे प्रोसेस होता है, यहां से इनपुट डालेंगे हम लोग, ओके, यहां पे प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद एक साइड आपका क्या जाएगा, स्क्रैप, और दूसरा साइड आपका क्या जाएगा, जूस। सपोज अगर आप वर्ल्ड की टॉप से टॉप क्लास मशीनरी भी ले आओ तो भी अगर आप 100 kg या 1000 kg अगर आप इनपुट डालते हो तो 100 kg आपको स्क्रैप मिलेगा ही मिलेगा, और 900 kg आपका क्या हो जाएगा, जूस। 100 kg आपका क्या रहेगा, स्क्रैप रहेगा, और 900 kg आपका क्या रहेगा, जूस रहेगा। आप जरा ध्यान से समझना, एक एक चीज को बराबर से समझना। इसके अंदर सपोज मेरा मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, ओवरहेड है, सपोज 900 एंड सपोज से 900 इज 2700। मेरा मटेरियल कॉस्ट कितना है, 900, लेबर कॉस्ट कितना है, 900, ओवरहेड कॉस्ट कितना है, 900, टोटल कॉस्ट 2700। प्रोसेस करने के बाद मुझे 100 kg क्या मिला, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप को अगर मैं मार्केट में सेल करता हूं मुझे क्या मिलेगा, जीरो, इसका मतलब जीरो। इसका मतलब मेरा कॉस्ट पर केजी क्या हो गया, इट मींस माय नॉर्मल कॉस्ट पर केजी, नॉर्मल कॉस्ट पर केजी इक्वल टू योर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस एंड रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस। टोटल कॉस्ट, रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस, इनपुट एंड नॉर्मल, ये आपका क्या हो जाएगा, मैंने आपको प्रिंटेड नोट्स में भी दे रखा है, नॉर्मल कॉस्ट पर केजी, टोटल कॉस्ट, रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस, इनपुट एंड नॉर्मल। ये जो 100 kg का लॉस है ये, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल लॉस, क्योंकि मटेरियल का नेचर ही ऐसा है, मटेरियल का नेचर ही ऐसा है कि मैं कितना भी वर्ल्ड क्लास मशीन ले आऊं, अगर मैं 1000 kg इनपुट डालता हूं, अगर मैं 1000 kg इनपुट डालता हूं तो 100 मुझे क्या मिलेगा, लॉस, मुझे आउटपुट कितना मिलेगा, ओनली 900 kg। ये लॉस को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, दिस इज टोटली अनकंट्रोलेबल लॉस, दैट्स व्हाई आई हैव टू रिकवर फ्रॉम कस्टमर। मैं कैसे रिकवर करूंगा, नॉर्मल लॉस, एनी लॉस बिकॉज ऑफ इनहेरेंट नेचर ऑफ मटेरियल, एनी लॉस बिकॉज ऑफ इनहेरेंट नेचर ऑफ मटेरियल इज नोन एज नॉर्मल लॉस, एंड दैट्स व्हाई इट इज अनकंट्रोलेबल, या अनकंट्रोलेबल लॉस है, हम कस्टमर से रिकवर करेंगे। कैसे करेंगे, आपका खर्चा कितना हुआ, 2700, आपने इनपुट कितना डाला, आपने इनपुट डाला 1000, लॉस कितना हुआ, 100, रियलाइजेशन होकर कितना मिला, इसका मतलब आपका कॉस्ट पर केजी क्या आएगा, 3 रुपीज।
टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आपका क्या था 2700, आपका 1000 नॉर्मल लॉस, इसका मतलब इन्फ्लेट कर दिया हमने, हमने किससे डिवाइड किया है 900 से, हमने 1000 से डिवाइड नहीं किया, क्योंकि ये लॉस क्या है, दिस लॉस इज ए कंट्रोलेबल लॉस, दैट्स दिस लॉस इज ए अनकंट्रोलेबल लॉस, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिकवर फ्रॉम कस्टमर। इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रैप को, दुनिया का वर्ल्ड क्लास आप मशीन ले आओ तो भी ये लॉस तो आपको होगा। तो क्या बोल रहा है, नॉर्मल लॉस मीन्स एनी लॉस बिकॉज ऑफ इनहेरेंट नेचर ऑफ मटेरियल, एनी लॉस बिकॉज ऑफ इनहेरेंट नेचर ऑफ मटेरियल इज नोन एज नॉर्मल लॉस एंड दैट्स व्हाई दिस इज टोटली अनकंट्रोलेबल। आपका लॉस क्या हो जाएगा, टोटली अनकंट्रोलेबल, इसका मतलब ये हम यहां रिकवर करेंगे। अब जरा सोचिए, सपोज इसी के अंदर आपको 900 की जगह आपने सोचा था कि मुझे स्क्रैप कितना मिलेगा, जरा समझिए चीज को ना, बहुत ही माइन्यूटली आपको एक एक प्रिंसिपल को समझ के बाद करना है। ये आपका हो गया 1000, आपने सोचा भाई 100 केजी मेरा क्या होगा, नॉर्मल लॉस, बराबर आपको 100 केजी हो गया नॉर्मल लॉस, स्क्रैप होना चाहिए। लेकिन सपोज योर वर्कर इज नॉट डूइंग वेल, आपने देखा वो कैसे रगड़ रगड़ लास्ट तक वो जूस निकालता ही रहता है, इसका जूस निकालते ही, तब जाके 100 केजी आपको क्या मिलेगा, स्क्रैप, और 900 केजी क्या मिलेगा आपको, जूस। लेकिन योर वर्कर इज नॉट डूइंग वेल, आपका वर्कर बराबर से काम नहीं कर रहा है, उसने क्या कर दिया इसको 200, और इसका मतलब आपका कॉस्ट क्या आएगा, 800 केजी आपका जूस मिलेगा और 200 केजी आपका लॉस। अब समझना इसका मतलब, व्हाट इज योर एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट इज 2700 आपका खर्चा हुआ, स्क्रैप से आपको जीरो मिल रहा है, इसका मतलब आपका आउटपुट है आपके पास 800 केजी, आपका कॉस्ट पर केजी आएगा 2700 डिवाइडेड बाय 800 इज 3.375, जबकि आपका नॉर्मल कॉस्ट पर केजी क्या आ रहा था, ₹3। अब जरा ये आपका एक्चुअल कॉस्ट है, ये कॉस्ट गलत नहीं है, खर्चा कितना हुआ 2700, खर्चा कितना हुआ 2700, आउटपुट कितना मिल रहा है 800, क्योंकि स्क्रैप से आपको क्या मिल रहा है, जीरो, स्क्रैप से आपको जीरो मिल रहा है, आउटपुट आपको मिल रहा है 800, इसका मतलब 800 से डिवाइड करेंगे हमारा कॉस्ट पर केजी क्या आएगा 3.375, आपका क्या कॉस्ट आएगा बोलो 3.375। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑन नोट, परफेक्टली क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, 3.375 आपका कॉस्ट आ रहा है, जबकि आपका कॉस्ट क्या आना चाहिए 3। एबनॉर्मल लॉस, इट मींस क्या लिखा है मैंने, एनी लॉस ड्यू टू आवर ओन फॉल्ट इज नोन एज एबनॉर्मल लॉस एंड दैट्स व्हाई इट इज कंट्रोलेबल। अगर ये वर्कर चाहता तो ये लॉस कितना होता था, ओनली 100, लेकिन उसने क्या किया, बराबर से जूस नहीं निकल, इसमें से 100 केजी जूस निकल सकता है और, लेकिन उसने नहीं निकाला। तो व्हेनेवर देयर इज अ लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, दैट लॉस यू कांट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर। व्हेनेवर देयर इज अ लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, दैट लॉस यू कांट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, और इफ यू आर गोइंग टू रिकवर यू कैनॉट सर्वाइव बिकॉज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। इसका मतलब हर सिचुएशन के अंदर, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे वो एबनॉर्मल है, चाहे वो एबनॉर्मल गेन है, योर कॉस्ट पर केजी विल बी द सेम, आपका कॉस्ट पर केजी क्या रहेगा सेम। यही जादू मुझे आपको सिखाना, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आपका इनपुट, ये वर्किंग नोट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट नंबर 1, इनपुट, व्हाट इज योर इनपुट, 1000 केजी, आपने क्या सोचा था मुझे लॉस क्या होगा, लॉस 100 केजी, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल। दुनिया का कोई भी मिसिंग फिगर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इट्स माय गारंटी, दुनिया का कोई भी मिसिंग फिगर क्वेश्चन है, आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे इसको, लॉस, नॉर्मल लॉस, इट मींस एक्सपेक्टेड आउट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 900 केजी, एक्चुअल इज 800 केजी, और इसको बोलेंगे एबनॉर्मल
लॉस, एबनॉर्मल लॉस इज 100 kg। ये अगर आपने चार्ट सीख लिया तो फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत एंड तक आने वाली नहीं है। व्हाट इज माय इनपुट इज ए 1000 kg, लॉस इज 100 kg, नॉर्मल लॉस, एक्सपेक्टेड आउटपुट 900, एक्चुअल में मुझे 800 मिल रहा है, मेरा एबनॉर्मल लॉस क्या होगा 100 kg। व्हेनेवर देयर इज अ लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, व्हेनेवर देयर इज अ लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, दैट लॉस यू कांट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर। Whenever there is a loss because of your own mistake, that loss you can't recover from the customer. Or if you are going to recover, you cannot survive because your cost of production will increase. आपका cost of production क्या होगा? Increase हो जाएगा. Okay? तो हम क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे? Cost per kg. इसको क्या बोलते हैं? Normal. Normally हमने क्या सोचा था? हमारा engineer बोलता है total cost divided by इनपुट। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? 2700। व्हाट इज द इनपुट? 1000। हमने सोचा हमारा इंजीनियर बोलता है कितना भी टॉप क्लास आपका मशीन रहने दो, आपको 100 kg का तो लॉस होगा ही होगा। इसका मतलब दैट इज अनकंट्रोलेबल। ये लॉस हमारा क्या होता है? इज ए अनकंट्रोलेबल लॉस। अनकंट्रोलेबल है इसका मतलब कस्टमर से लेना पड़ेगा। इनटू जीरो हमारा रियलाइजेशन क्या हो रहा है? जीरो। इनपुट हमारा कॉस्ट पर केजी क्या हो गया? 3 rupees पर केजी, बिकॉज 2700 रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस एंड दिस इज नॉर्मल लॉस। हमारा कॉस्ट पर केजी क्या हो जाएगा? ₹3। हमारा कॉस्ट पर केजी क्या हो जाएगा? ₹3। इंटू थ्री इज 2400 इंटू थ्री एंड दिस कम्स टू 300। अब आपका जो लॉस है, आपका जो कॉस्ट है पर केजी, वो क्या आ रहा है? 3। इवन यू आर मेकिंग लॉस, एबनॉर्मल लॉस, तो भी आपका कॉस्ट पर केजी क्या आ रहा है? आपका कॉस्ट पर केजी आ रहा है ₹3। चाहे वो नॉर्मल सिचुएशन है, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस है, चाहे वो एबनॉर्मल गेन है, आपका कॉस्ट पर केजी क्या आना चाहिए? ₹3। इसका मतलब ये जो लॉस हुआ है दैट इज योर ओन मिस्टेक, और इसको हम कहां चार्ज करेंगे? इसको हम चार्ज करेंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम कहां चार्ज करेंगे? इसको हम चार्ज करेंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इसको हम कहां चार्ज करेंगे? इसको हम चार्ज करेंगे इन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये जो लॉस हुआ है वो हमारी मिस्टेक से हुआ है। अगर हम इसको चार्ज करेंगे कस्टमर से तो हमारा क्या होगा? कॉस्ट पर केजी विल इंक्रीज। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब हर सिचुएशन के अंदर हमारा जो कॉस्ट पर केजी है वो हमारा क्या रहेगा? सेम। सपोज इसकी जगह ऐसा भी हो सकता है कि आपने सोचा कि भाई मेरा इनपुट रहेगा, इनपुट है 1000। आपके इंजीनियर ने बोला था कि सर नॉर्मल लॉस, आपको नॉर्मल लॉस इसका मतलब अनकंट्रोलेबल लॉस, ये तो लॉस होने ही वाला है, इज ए 100 kg। इसका मतलब व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड आउटपुट? योर एक्सपेक्टेड आउटपुट इज से 900 kg, लेकिन आपको एक्चुअल में हो रहा है, एक्चुअल में आपका आ रहा है 950 kg। आपका एबनॉर्मल गेन आपको हो गया सपोज 50 kg। आपका इनपुट क्या है? इनपुट है आपका 1000 kg। इनपुट है आपका 1000 kg बराबर नॉर्मल लॉस 100 kg, एक्सपेक्टेड आउटपुट 900 kg, एक्चुअल 950 और एबनॉर्मल गेन इज 50। सही आंसर नो फ्रेंड्स, बराबर है। अब अगर इसका अपने को एक्चुअल कॉस्ट निकालना है, दिस इज एक्चुअल कॉस्ट पर केजी। अब पहली बात यह है कि व्हाट इज एबनॉर्मल गेन, तो मैंने क्या लिखा है? एनी गेन ड्यू टू रॉन्ग कैलकुलेशन इज नोन एज एबनॉर्मल गेन एंड दैट्स व्हाई इट इज कंट्रोलेबल। एनी गेन ड्यू टू रॉन्ग कैलकुलेशन, कभी कभी क्या होता है कि आपको आउटपुट तो 900 kg हुआ है
लेकिन आपका अकाउंटिंग कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया और आपने 900 की जगह 950 लिख दिया, इसका मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल गेन। ये गेन होता नहीं है, ये गेन होता नहीं है बराबर, लेकिन आपको हो गया बराबर, आपने आपने आपको हुआ है आउटपुट 900, लेकिन आपके अकाउंट्स में आपने लिख दिया 950, तो क्या होगा आपका, इसका मतलब 2700 और आपको आउटपुट कितना मिल रहा है 950। इट मींस ये आपका हो गया 2700 डिवाइडेड बाय 950 और आपका कॉस्ट आएगा 2.84, जबकि आपका नॉर्मली कॉस्ट क्या आना चाहिए 3। एबनॉर्मल गेन मींस गेन ड्यू टू रॉन्ग कैलकुलेशन। या तो आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपको मिला है आउटपुट ओनली 900, लेकिन आपका अकाउंट्स बोल रहा है 950 मिल गया, इसका रॉन्ग कैलकुलेशन। अदरवाइज ऐसा कैसे होगा कि 100 kg, ये तो इंजीनियर बोलते हैं ये लॉस होगा ही होगा सर, इससे कम लॉस हो ही नहीं सकता करके, तो आपको आउटपुट तो 900 के ही मिलना चाहिए ना। लेकिन आपको कभी कभी आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं, आपकी मम आपको बोलती है बेटा ये 100 रुपये लेके जा और 50 रुपीज़ का एक कुछ कुछ भी सामान लेके आ, वो 50 रुपीज़ की जगह अब आपको वो 50 रुपीज़ बैलेंस आपको शॉपकीपर देगा, वो आपको दे देता है 60 रुपीज़। तो मम्मा आपको बोलेगी ना बेटा दिस इज एबनॉर्मल गेन, हमको किसी का पैसा रखने का नहीं है, जब 50 का सामान है तो उसको 50 वापस करना चाहिए ना, वाई इज रिटर्निंग यू 60 रुपीज़। इसका मतलब 10 रुपीज़ आपको क्या हो गया, गेन हो गया। हर बार थोड़ी होगा ये गेन, तो हम बोलेंगे मॉम बोलेगी या भाई ये 10 रुपीज़ ले और इसको वापस दे दिया। हर सिचुएशन में मैंने आपको क्या बताया, अबर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। देखो मैंने आपको क्या लिखा है, प्रोसेस कॉस्टिंग इट इज द नेम ऑफ द टेक्निक टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। इन दिस प्रोसेस अवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, अवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। ये आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस है, हमको ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। आप जरा ये ध्यान से समझ लीजिए, गेन हुआ है तो हमको क्रेडिट नहीं लेना है, लॉस हुआ है तो भी हमको वो क्रेडिट कस्टमर को पास नहीं करना है, हमको क्या निकालना है, नॉर्मल कॉस्ट पर केजी। इट मीन्स योर नॉर्मल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट 2700, इनपुट 1000, लॉस 100, रियलाइजेशन दिस कम्स टू 3 इंटू 3, इट मीन्स 950 इंटू 3 इज योर 950 इंटू 3 इज 2850 और आपका गेन हो जाएगा 50 इंटू 3 इज 150। बट हर केस में मैंने आपको तीनों सिचुएशन बताया, पहला आपको मैंने बताया था नॉर्मल सिचुएशन, उसमें भी मेरा कॉस्ट पर केजी क्या आ रहा था 3, दूसरा मैंने आपको बताया एबनॉर्मल लॉस वाला सिचुएशन, उसमें भी कॉस्ट पर केजी क्या आ रहा है 3, थर्ड मैंने आपको बताया एबनॉर्मल गेन वाला सिचुएशन, उसमें भी कॉस्ट पर केजी क्या आ रहा है 3। हर केस में हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए इज ए नॉर्मल कॉस्ट, नॉट द एक्चुअल कॉस्ट। हर केस में मेरा कॉस्ट पर केजी क्या आएगा सेम। तो मैं आपको बताया सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरा, पहला रहेगा मेरा वर्किंग नोट, आप मेरा वर्किंग नोट बनाइए, वर्किंग नोट नंबर 1 सारी इंफॉर्मेशन को डालिए, उसके बाद आपका नॉर्मल कॉस्ट पर केजी क्या रहेगा, ये टोटल कॉस्ट देन रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट एंड माइनस नॉर्मल, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूला आपको याद रखना है लेकिन एकदम लॉजिकल अपने को क्लियर करके चलना है, बिना लॉजिक के आपका काम होगा नहीं, आपको लॉजिकली चीजों को समझते हुए चलना है। आर यू फॉलोइंग फ्रेंड्स। तो पहला एक बार मैं वापस रिवाइज कर लेता हूँ, क्या आपको दे रखा है, प्रोसेस कॉस्टिंग इट इज द नेम ऑफ द टेक्निक टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स, इन दिस प्रोसेस आवर ऑब्जेक्टिव इज not to find out what is the cost of process, but our objective is to find out, please underline that, what is the normal cost of process.
नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस. वेन एवर देर इज ए लॉस, रिवाइज करिए मेरे साथ, वेन एवर देर इज ए लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, वेन एवर देर इज ए लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, दैट लॉस यू कॉन्ट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर. बोलिए मेरे साथ, वेन एवर देर इज ए लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, दैट लॉस यू कॉन्ट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर. और इफ यू आर गोइंग टू रिकवर, यू कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट बिकॉज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज. आपकी वजह से अगर कुछ लॉस हुआ है तो वो लॉस आपको कस्टमर से नहीं ले सकते. ओके, अगर आपने मेरा वर्किंग नोट और ये कंसेप्ट आपने बराबर से समझा है, आपको कभी प्रॉब्लम होगा नहीं. ओके, अब आप आ जाइए, मैं आपको एक एग्जाम्पल कराता हूँ तो आपका और भी लॉजिक क्लियर होगा. और ये एग्जाम्पल मैं तीनों मेथड से कराता हूँ आपको, नॉर्मल सिचुएशन, एबनॉर्मल सिचुएशन, एबनॉर्मल गेन, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं. ओके, तो आप देखिए एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल नंबर वन एंड योर पेज नंबर 6.1. ओके, देखिए जरा, गिवन इनपुट है 1000 kg, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ 1000, 100 kg, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1000, लेबर 900, ओवरहेड 900, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 1 rupees per kg. इफ एक्चुअल प्रोडक्शन, तीनों सिचुएशन मैंने लिया आपको कि जो हमने सोचा था अगर उतना की उतना एक्चुअल आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमने सोचा था वैसा कि वैसा बिजनेस में हो जाए नो प्रॉब्लम, अगर उससे कम आया तो उसको एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे, उससे ज्यादा आया तो उसको एबनॉर्मल गेन बोलेंगे. लेकिन ऑल थ्री केसेस में योर कॉस्ट पर केजी विल बी द सेम. इन ऑल थ्री केसेस में योर कॉस्ट पर केजी विल बी द सेम. मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप उसको क्या करिए, वर्किंग नोट बनाइए. इट मीन्स दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर वन. इनपुट कितना है 1000 kg, हम लोगों ने क्वेश्चन में दे रखा है इनपुट 1000 kg. नॉर्मल लॉस बताइए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल लॉस, पढ़िए. एनी लॉस बिकॉज ऑफ इनहेरेंट नेचर ऑफ मटेरियल इज नोन एज नॉर्मल लॉस एंड दैट्स व्हाई इट इज अनकंट्रोलेबल. एनी लॉस बिकॉज ऑफ इनहेरेंट नेचर ऑफ मटेरियल इज नोन एज नॉर्मल लॉस एंड दैट्स व्हाई इट इज अनकंट्रोलेबल. व्हाट इज नॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस, इंजीनियर आपको बोलता है सर अगर आप 1000 kg सुगर कैन डालते हैं मशीन के अंदर तो 100 का लॉस तो होगा ही होगा, दैट इज अनकंट्रोलेबल. आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब हमको किससे रिकवर करना है, कस्टमर से. नॉर्मल लॉस ये क्या हुआ आपका, अनकंट्रोलेबल लॉस. सब कुछ आपको दे रखा है, आपको कुछ सिर्फ आप यहां ध्यान दीजिए, जे 10% ऑफ 1000 इज 100. ओके, अब कभी कभी क्या होता है, स्क्रैप जो निकलता है ना, स्क्रैप को हम लोग सेल भी कर सकते हैं. स्क्रैप को मतलब आपने देखा होगा ना, एक जूस निकल गया है एक तरफ, स्क्रैप को भी सेल कर सकते हैं. और स्क्रैप को सेल करने से हमें क्या मिलेगा, स्क्रैप को सेल करने से 1 rupee per kg इंटू 100. व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 900 kg. आपने इनपुट कितना डाला था फ्रेंड्स, इज ए 1000 kg. आपने इनपुट कितना डाला था 1000. नॉर्मल लॉस इट मीन्स अनकंट्रोलेबल लॉस 10% ऑफ 1000 इट मीन्स 100 kg सेल करेंगे तो 1 rupee मिलेगा. एक्सपेक्टेड आउटपुट 900. मैंने क्या बताया आपको, कॉस्ट पर केजी. कौन सा कॉस्ट पर केजी है, दिस इज योर नॉर्मल कॉस्ट इट मीन्स योर टोटल कॉस्ट, रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस, इनपुट, नॉर्मल लॉस. व्हाट इज योर टोटल कॉस्ट, अब देखिए जरा, मटेरियल कितना है 1000, आपका लेबर कितना है 900, ओवरहेड कितना है 900, 2800 लेस. इनपुट आपका कितना है 1000, नॉर्मल लॉस आपका कितना है 100, सेल कितने में हो रहा है 100,
इट मीन्स 2700 डिवाइडेड बाई 900, आपका कॉस्ट पर केजी क्या आएगा 3, एंड दिस कम्स टू 27। आपका जो जूस है, आपका जो आप जूस निकाल रहे हैं उसका कॉस्ट पर केजी क्या हो जाएगा 3 रुपीज, और आपका जो टोटल कॉस्ट है, आपका जो टोटल कॉस्ट है वो आपका टोटल कॉस्ट क्या होगा 2700। आर यू फॉलोइंग ऑन? आपका जो कॉस्ट निकल के आया, ये फॉर्मूला टोटल कॉस्ट हम लोगों ने निकाला 2800, क्या क्या था 2800 में, आपका ये आपका 2800 में क्या क्या कॉस्ट था, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड। मटेरियल कितना दे रखा है फ्रेंड्स आपको, से मटेरियल कॉस्ट आपको दे रखा 1000, लेबर 900, ओवरहेड 900, और ये मिलके हो गया आपका 2800, ये 2800 ये आ गया। कितना इनपुट आपने डाला था 100, कितना लॉस था 100, वो बिकेगा कितने में 100 रुपीज में आपका। अब चाहे नॉर्मल सिचुएशन है, चाहे एबनॉर्मल है, चाहे एबनॉर्मल गेन है, क्योंकि मैंने तीनों आपको एग्जाम में एक ही सिचुएशन पूछेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे तीनों ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि यार हर केस में मेरा जो कॉस्ट पर केजी है वो क्या होना चाहिए, हर केस में मेरा जो कॉस्ट पर केजी है वो क्या होना चाहिए 3 रुपीज। अच्छा, ये तो था आपका बेसिक कैलकुलेशन, ये मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, बोलो बेसिक कैलकुलेशन। आपको छोटा मोटा कुछ नोट लिखना है तो लिख लो, बाकी सब आपको ये यहां पे दे रखा है। लेकिन आपके जो सिलेबस में है, आपके जो सिलेबस में है, दैट इज एज पर अकाउंटिंग प्रोसीजर। आपको वो खाली ये वर्किंग नोट नहीं पूछेगा, आपसे कॉस्ट नहीं पूछेगा, आपको बोलेगा कि प्लीज प्रिपेयर द वर्किंग नोट्स ऑल्सो। आपको क्या पूछेगा, प्लीज प्रिपेयर द वर्किंग नोट्स ऑल्सो। ओके, तो वर्किंग नोट्स के साथ साथ आपसे पूछेगा प्रोसेस अकाउंट। याद है आपको डेबिट क्रेडिट तो आता है ना, देखो जरा ये आपका बनेगा सबसे पहले, दिस इज योर पहला आपका बनेगा प्रोसेस अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, जो भी आप लोगों ने खर्चा किया है, जो भी प्रोसेस मतलब जहां पे आपका प्रोडक्ट बनेगा, जो भी आपने एक्सपेंस इनकर किया है, आप प्रोसेस में डेबिट करते जाइए, और जो बन के आएगा गुड्स उसको क्रेडिट कर जाइए, आपका प्रोसेस अकाउंट टैली हो जाएगा। सही है, सुनो फ्रेंड्स, अब देखो आपने क्या क्या प्रोसेस को मटेरियल दिया, प्रोसेस को लेबर दिया, प्रोसेस को, तो डेबिट मीन्स ऑल एक्सपेंसेस, इट मीन्स टू मटेरियल 1000 kg 1000 rupees, टू लेबर 900, टू ओवरहेड 900। ये आपका क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड। हमने प्रोसेस को दिया, प्रोसेस ने बदले में क्या दिया, एक हमें क्या दिया प्रोसेस ने बदले में, एक हमें दिया नॉर्मल लॉस, और एक हमें क्या दिया, फिनिश्ड गुड्स। प्रोसेस ने हमें बदले में क्या दिया, एक स्क्रैप दिया और एक फिनिश्ड गुड्स दिया। इसका मतलब क्या करेंगे, बाई नॉर्मल लॉस अकाउंट एंड बाई फिनिश्ड गुड्स अकाउंट, ये 100, ये 100, ये 900 और ये 2700 हम लोगों ने निकाला था, 2700, ये 100 बिक गया हमारा, इट मीन्स, और इसी के साथ हमारा 2800, 1000, 2800। सही है, सुनो फ्रेंड्स, क्या करेंगे, टू मटेरियल 1000 रुपीज, टू लेबर 900, टू ओवरहेड 900, 1000, 2800। बदले में हमें क्या मिला, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट 100 रुपीज,
₹100 का नॉर्मल लॉस का कॉस्ट हो गया, और बाकी का जो बचा दैट इज योर फिनिश गुड्स से। यस परफेक्टली क्लियर हो, नोट समझ में आ रहा है आपको प्रोसेस अकाउंट डेबिट। उसके अलावा और कौन कौन से अकाउंट्स हो सकते हैं अपने पास? एक नॉर्मल लॉस अकाउंट और एक दिस इज योर फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। ओके टू प्रोसेस अकाउंट 100 100, प्रोसेस अकाउंट 900 2700। ओके इसका तो अपने को रियलाइजेबल वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब इसको जो प्रोसेस में जो नॉर्मल लॉस हुआ है उसको हम कितने में सेल करेंगे, ₹1 अपने को दे रखा ना। स्क्रैप वैल्यू जो स्क्रैप हुआ है, जूस हुआ है वो तो अभी बिका नहीं है, स्क्रैप है वो बिक गया, कितने में बिका? ₹1 में। इट मीन्स बाय कैश अकाउंट 100 and 100 एंड बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 900 and 2700। सही आंसर 900 and 2700। परफेक्टली क्लियर। बराबर इसका मतलब पहला अगर अपन जनरल एंट्री देखें तो पहले हमने क्या किया, जनरल एंट्री में प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू मटेरियल टू लेबर टू ओवरहेड, और जब प्रोसेस में गुड्स बन के तैयार हुआ तो हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, तो इसको क्रेडिट कर दिया अपन, इसके साथ अपना ये हो गया टैली। तो एक ही एग्जाम्पल में आपको तीनों सिचुएशन बताऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको याद रखना है एक ही चीज, आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट, आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। हर केस में चाहे वो नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन है, मेरा कॉस्ट पर केजी क्या आना चाहिए? ₹3। व्हाट इज नॉर्मल लॉस? एनी लॉस बिकॉज ऑफ इनहेरेंट नेचर ऑफ मटेरियल इज नोन एज नॉर्मल लॉस, दैट्स व्हाई दिस इज टोटली अनकंट्रोलेबल। ठीक है अब आ जाइए सेकेंड सिचुएशन, सेम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वन में आपको बोल रहा है कि इफ माई एक्चुअल प्रोडक्शन, इट मीन दिस इज एग्जाम्पल नंबर वन, इफ एक्चुअल प्रोडक्शन इक्वल टू 800 kg, इट मीन्स इनपुट 1000 kg, देन नॉर्मल लॉस 100 kg, एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 900 kg, देन एक्चुअल इज 800 kg, एंड दैट्स वाई देर इज ए एबनॉर्मल लॉस ऑफ 100 kg। क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, इनपुट कितना है आपका 1000 kg, नॉर्मल लॉस 100 kg, एक्सपेक्टेड आउटपुट 900, एक्चुअल 800, एंड दैट्स वाई देर इज ए एबनॉर्मल लॉस ऑफ 100। आपको इस चार्ट में ही जितने भी मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चन है, जो भी कुछ अपने को आ रहा है, जितने मिसिंग फिगर के क्वेश्चन है, वो सब कुछ आपको इसी में डाल देने हैं। बराबर एक एक कंसेप्ट को समझते हुए चलना है अपने को। आर यू फॉलोइंग नो? ओके क्या आ जाएगा हमारा, इट मीन्स कॉस्ट पर केजी इक्वल टू योर कॉस्ट
कॉस्ट पर केजी इक्वल टू व्हाट इज योर टोटल कॉस्ट, अपने निकाला था ना फ्रेंड्स 2800, मटेरियल 1000, लेबर 900 एंड ओवरहेड 900, सही आंसर ना फ्रेंड्स। ऑलराइट, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 28, ये आपका हो जाएगा 2800। सो 2800 इनपुट 1000, नॉर्मल लॉस 100, नॉर्मल लॉस 100 और कितने में बिकेगा 1 रुपी में 100, इट मीन्स आपका आपका कॉस्ट पर केजी आ जाएगा, कॉस्ट पर केजी आएगा 3। चाहे वो नॉर्मल है, चाहे एबनॉर्मल गेन है, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस है, आपका कॉस्ट पर केजी क्या आएगा 3। 2400 3, दिस इज 300, अंडरस्टैंड? ओके, तो आपका नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन है, आपका कॉस्ट पर केजी क्या रहेगा 3। बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट, बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल। ये आपका वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी है। कॉस्टिंग में एग्जामिनर जो चेक करेगा, कॉस्टिंग में एग्जामिनर अगर जो चेक करेगा वो क्या चेक करेगा आपका, वो आपका पहले चेक करेगा इज ए वर्किंग नोट। अगर आपने वर्किंग नोट प्रॉपरली बना दिया ना फ्रेंड्स, आपका काम हो जाएगा। तो कॉस्ट पर केजी आपका क्या आएगा रुपीज 3, आपका कॉस्ट पर केजी क्या रहेगा बोलो इज रुपीज 3। इट मीन्स अब आप आ जाइए, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, इंस्टीट्यूट आपसे क्या बोलता है कि यू प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट, ऑलराइट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड, 1000, 1900, 900। प्रोसेस अकाउंट डेबिट, हमने क्या किया, प्रोसेस को डेबिट किया पहले, तो प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवर। अब प्रोसेस ने हमें क्या दिया, प्रोसेस ने हमें दिया नॉर्मल लॉस, प्रोसेस ने हमें दिया एबनॉर्मल लॉस, प्रोसेस ने हमें क्या दिया फिनिश गुड्स, इट मीन्स बाय नॉर्मल लॉस 100, बाय एबनॉर्मल लॉस 100 एंड बाय फिनिश गुड्स अकाउंट, बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट, बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, बाय फिनिश गुड्स अकाउंट 800, दिस कम्स टू 100। हम लोगों ने क्या निकाला फ्रेंड्स 300 एंड 2400, 2400 एंड 300, प्रोसेस अकाउंट आपका टैली 2800, 1000, 1000 एंड 2800, सही आंसर। ये आप बोलोगे सर ये तो लॉस है, एक दोनों लॉस ही तो है, एक को आपने 1 रुपी पे लिया, एक को आपने 3 रुपीज पे लिया, क्यों? बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट वॉट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट वॉट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर अपन एक्चुअल कॉस्ट करते थे, देखो 2800 हम लोगों ने डाला, ठीक है, अगर अपन एक्चुअल कॉस्ट निकालते तो 100 प्लस 100 200 लॉस हो गया, 200 में बिकेगा, ये आपका हो गया 1000, ये आपका हो गया 200, इसका मतलब 2600 डिवाइडेड बाई 800 आपका कॉस्ट क्या आएगा, देखो जरा 2600 डिवाइडेड बाई 800 आपका कॉस्ट आएगा 3.25। मिस्टेक आपका है तो कस्टमर क्यों पे करेगा, एबनॉर्मल लॉस मीन्स ए लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, सो वेन एवर देर इज ए लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक दैट लॉस यू कांट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, इफ यू आर गोइंग टू रिकवर यू कैनॉट सर्वाइव बिकॉज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज।
आप अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नहीं कर सकते, तो अगर आपका अदरवाइज आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, देखो बढ़ गया 3.25 आ रहा है, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए नॉर्मल कॉस्ट, हमको क्या चाहिए। ये डिफरेंस समझने में आपको दिक्कत आ रही हो तो मुझे प्लीज बताइए। आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज वेन एवर देर इज ए लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, दैट लॉस यू कैन रिकवर फ्रॉम कस्टमर, इफ यू आर गोइंग टू रिकवर यू कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। आ जाइए, ये हो गया, अब आप ओपन करिए, तीन अकाउंट बन जाएंगे, एक आपका नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। एंट्री क्या पास होगी, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, टू प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस ने हमें बदले में क्या दिया, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, इट मींस टू प्रोसेस अकाउंट 100 100, टू प्रोसेस अकाउंट 100 300, टू प्रोसेस अकाउंट 800 एंड 2400। अब ये आपको क्लियर हुआ, प्रोसेस अकाउंट डेबिट, ये नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स। आपको ये वर्किंग नोट, ये जान है, इसी से एग्जामिनर को पता चलेगा कि यू आर फ्रॉम दानिकी कॉस्टिंग। एग्जामिनर चेक भी नहीं करेगा, 100 में से 100 मार्क्स दे देगा आपको। वाइफ को फोन करके बोलेगा आई वॉन्टेड टू गिव यू ट्रीट टूडे, वाइफ बोलेगी वाई वॉट हैपन, बोले आई हैव सीन द सोल्यूशन ऑफ प्रोफेसर दानी, जिनका संसार में इतना नाम, अब तो DKC रजिस्टर्ड भी हो गया, दानी की कॉस्टिंग रजिस्टर्ड भी हो गया। हाँ जी, फॉलोइंग फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रही है, एकदम शांति से समझिए। देखिए कंसेप्ट, ये चार्ट से आपको, तो पहले वर्किंग नोट, उसके बाद उसको पुट करते जाइए, फिर तो थोड़े टाइम के बाद तो बहुत मैकेनिकल हो जाएगा, बोलेंगे सारे सिंपल करके बाई। अब सेल करेंगे तो नॉर्मल लॉस को सेल करेंगे तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस बाय कैश अकाउंट 100 एंड 100। देखो एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या, मैंने आपको समझाया था कि अगर आपने 100 की जगह स्क्रब 200 कर दिया, 100 की जगह अगर आपने 100 की जगह अगर 200 कर दिया, 100 की जगह आपने 200 कर, मतलब 100 kg जूस निकल सकता था तो भी आपने नहीं निकाला और स्क्रैप बढ़ा दिया। इसका मतलब जो पर्सन आपका स्क्रैप खरीद रहा है ही इज नॉट कंसर्न, जो पर्सन आपका स्क्रैप खरीद रहा है वो कंसर्न नहीं है कि ये नॉर्मल है कि ये, वो तो आपको 1 रुपी के हिसाब से पे करेगा। इसका मतलब बाई कैश अकाउंट 100 100, बाकी का कहाँ चला जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपकी वजह से लॉस हुआ है वो आपको बियर कर रहे हैं, एंड ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, दिस इज बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 800 एंड 2400। ये आपका कंप्लीट सिचुएशन, और ये 3 सिचुएशन में आपको करा रहा हूं। एग्जाम में आपको क्या पूछेगा, एग्जाम में आपको एक एक सिचुएशन ही पूछेगा, एग्जाम में आपको ये 3 सिचुएशन नहीं पूछेगा करके, एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, ओनली 1 सिचुएशन। आर यू फॉलोइंग नोट, परफेक्टली क्लियर, ओके। सबसे पहले क्वेश्चन को, जैसे ही क्वेश्चन आपके पास आएगा आपको क्या करना है, पहले आपको गिवन करके वर्किंग नोट बनाना है, और वर्किंग नोट बनाने के बाद फिर आपको क्या करना है, वर्किंग नोट बनाने के बाद फटाफट फिर आपको प्रोसेस अकाउंट बना के क्लोज करना है। आर यू फॉलोइंग। थर्ड सिचुएशन आप ले लीजिए, इसको बोलते हैं इफ इफ एक्चुअल प्रोडक्शन इक्वल टू 950 kg,
वर्किंग नोट नंबर वन, इनपुट 1000 kg, नॉर्मल लॉस 100 kg, आपको चाहे कैसा भी इंफॉर्मेशन दिया है आपको अपने हिसाब से चलना है। आपको डीकेसी फॉर्मेट, ये डीकेसी फॉर्मेट ही आपको यूज करना है। इनपुट इनपुट डिवाइडेड टू नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड, ये बोलता नहीं ये लॉस तो होगा ही होगा, इससे कम लॉस नहीं हो सकता 100, तो ठीक है नॉर्मल हो गया, होगा ही होगा, मतलब कस्टमर से लेना पड़ेगा मेरे को, कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, तो ये नॉर्मल हो गया एक्सपेक्टेड 900। अब हमें मिल रहा है कितना, एक्चुअल 950 kg, इट मीन्स एबनॉर्मल गेन इज ए 50 kg। आपको अलग रखना है उसको, इट मीन्स कॉस्ट पर केजी इक्वल टू टोटल कॉस्ट 2800, रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस 100 rupees, इनपुट 1000, नॉर्मल लॉस 100, 2700, 900, 3 rupees, 3150, 3280. आपका हर केस में जो कॉस्ट पर केजी आपका क्या रहेगा इज ए सेम, योर कॉस्ट पर केजी आपका क्या रहेगा इज ए सेम, हर केस में आपका कॉस्ट पर केजी क्या रहेगा फ्रेंड्स इज ए सेम। आई फॉलोइंग वन एक करूंगा सेकंड में, तो फटाफट आपको क्या करना है, आपको करना है इनपुट, इफ एक्चुअल प्रोडक्शन 950, इनपुट 1000, नॉर्मल लॉस 100 इंटू 100, एक्सपेक्टेड आउटपुट 900, एक्चुअल दिस, एबनॉर्मल गेन इज दिस 2850, 150, कॉस्ट पर केजी 2800, 100, 1100, 2700, दिस इज 3, आपका कॉस्ट पर केजी क्या आएगा 3, इट मीन्स अब आप आ जाइए, दिस इज योर प्रोसेस अकाउंट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, टू मटेरियल 1000, टू लेबर 900, टू ओवरहेड 900, बाय नॉर्मल लॉस 100, बाय एबनॉर्मल गेन, बाय आपका एबनॉर्मल गेन, कितना गेन हो रहा है आपको, सॉरी बाय फिनिश्ड गुड्स, आपको क्या क्या मिल रहा है, बाय फिनिश्ड गुड्स, कितना फिनिश्ड गुड्स मिल रहा है फ्रेंड्स 950, 2850, बराबर, टू एबनॉर्मल गेन 50 and 150, आपका टैली हो जाएगा, इट मीन्स 1050, देन 1000, 900, 950 is 2950, 1050 and 2950. First, normal loss account, then abnormal गेन अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट टू
प्रोसेस 100 100 एंड बाय प्रोसेस 50 एंड 150। अब अगर अपन लॉजिकल सोचने जाएं कि भाई मैंने इनपुट डाला 1000 और मुझे आउटपुट हो गया 950, इसका मतलब द लॉस विच इज अवेलेबल फॉर सेल इज ओनली 50 होगा ना। आप बोलोगे सर इसको कट करके आप 900 क्यों नहीं कर देते, या इसको कट करके 50, इसको कट करके किया तो क्या होगा, आपका एक्चुअल कॉस्ट आएगा। मेरे को क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नॉर्मल कॉस्ट। इसके लिए तो यहां इसको कट करके भी हम लोग लिख सकते हैं ना। आर यू गेटिंग ऑन? मैंने 1000 इनपुट डाला है, आउटपुट मिला है 950, तो लॉस कितना हुआ एक्चुअल में, एक्चुअल में लॉस तो 50 हुआ। तो आप बोलोगे सर इसको कट करके 50 कर दो ना। अरे उसको करूंगा तो मेरे को क्या आएगा, एक्चुअल। मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल। इसका मतलब द लॉस विच इज अवेलेबल फॉर सेल इज ओनली 50 kg। तो हमारा नॉर्मल लॉस जो बिकेगा वो कितना बिकेगा, ओनली 50 kg, जबकि लॉस है कितना, 100 kg। बराबर। तो पहले अपन क्या करेंगे, जो भी एबनॉर्मल गेन का जो क्वांटिटी है उसको अपन एडजस्ट कर लेंगे, राइट। क्या करेंगे, बाय एबनॉर्मल गेन एंड बाय कैश, ये 50, ये 50 कितने में बिका, ये 50 और ये 50, क्योंकि 1 rupee पर kg है ना फ्रेंड। पहले एबनॉर्मल गेन का जो क्वांटिटी है इसका मतलब टू नॉर्मल लॉस अकाउंट 50 एंड, पहले कभी भी एबनॉर्मल गेन का जो क्वांटिटी रहेगा उसको आप एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल जो नॉर्मल लॉस है उसके साथ आप एडजस्ट करिए। अगर लॉजिकली देखने जाए 1000 मेरे पास इनपुट है, 950 मैं सेल कर रहा हूं, इसका मतलब द लॉस विच इज अवेलेबल फॉर सेल इज ओनली 50 kg, ओनली 50 kg, आई कैनॉट सेल मोर देन दिस। इसका मतलब बाकी का क्या करूं, तो बाकी का एग्जैक्टली आपका टैली होगा किसके साथ, एबनॉर्मल गेन के साथ। तो ये हो जाएगा आपका, बाकी का कहां चला जाएगा, टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, ये आपका टैली। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको? परफेक्ट। उसके बाद आपका आ जाएगा फिनिश गुड्स अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट टू प्रोसेस अकाउंट 950 2850 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 950 एंड 2850। सही है, सब कुछ तो आपको लिखा हुआ दे रखा है। आपको लॉजिकली एक एक चीज को समझना है और करना है। कभी भी नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन है तो पहले जो एबनॉर्मल गेन का जो क्वांटिटी है, एबनॉर्मल गेन का जो क्वांटिटी है उसको आप पहले एडजस्ट करो किसके साथ, नॉर्मल लॉस के साथ। बाकी का जो क्वांटिटी बचेगा उसको आप सेल कर दीजिए। लॉजिकली अगर आपको देखना है कि मैं 1000 इनपुट डाल रहा हूँ, 950 मुझे आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब मेरा 50 ही तो लॉस होगा एक्चुअल में। मेरा लॉस क्या होगा, मेरा लॉस होगा 50। आर यू गेटिंग ऑन? परफेक्टली आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक एग्जांपल लेते हैं, जाइए आप इसी उसमें करके ना, और आपको ये तो दे ही रखा है करके ना। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, हर केस में आपका कॉस्ट पर केजी, आपका कॉस्ट पर केजी क्या रहेगा, इज ए सेम। और मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं, आप होमवर्क में करिए पहले, बिना वीडियो देखे करिए, फिर उसके बाद आप मेरे से डिस्कस कर लीजिए, राइट। इट मीन्स दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 2 एंड योर पेज नंबर 6.4 गिवन। इनपुट 1000, नॉर्मल लॉस 200, स्क्रैप 1 इफ एक्चुअल प्रोडक्शन
800, 700, 900, मेटेरियल कॉस्ट 1000, लेबर 800, एंड तो पहला सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन, एग्जाम में आपको तीनों में से एक ही सिचुएशन पूछेगा। लेकिन मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। ओके, देखिए जरा, सबसे पहले वही वर्किंग नोट, दिस इज योर वर्किंग नोट, फटाफट आपका रिविजन करना है अपने को। दिस इज प्रोसेस अकाउंट इनपुट, कितना इनपुट अपने को दे रखा है 1000 kg, आउट ऑफ दिस देर इज ए नॉर्मल लॉस एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। नॉर्मल लॉस आपको क्या दे रखा है 200 kg, 800 kg, एक्चुअल भी आपको क्या दे रखा है 800 kg, नो प्रॉब्लम। आपने क्या बोला बोलो, इनपुट प्रोसेस इनपुट, इनपुट कितना है 1000, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 200, एक्सपेक्टेड आउटपुट 800, और एक्चुअल में भी हमें 800। अगर 800 से कम या ज्यादा होगा तो आपका एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन आएगा। अगर 800 से कम या ज्यादा होगा तो आपको एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन आएगा, अदरवाइज दिस इज दिस। कैसे निकालते हैं अपन, इट मींस कॉस्ट पर केजी इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है आपका मटेरियल 1000, मटेरियल 1000, लेबर 800, लेबर 800, ओवरहेड, ओवरहेड 800। इट मींस 1000 प्लस 800 प्लस 800 इज 2600। ओके, 2600 नॉर्मल लॉस को रियलाइजेशन है 1 rupee, इट मींस 200 अपने को मिल जाएगा। इनपुट हमारा कितना है 1000 और नॉर्मल लॉस है मेरा 200, इट मींस 2400 डिवाइडेड बाई 800 एंड कॉस्ट पर केजी विल बी। ये आपको बहुत जरूरी समझना है, क्या क्या है मेरा इनपुट है, इनपुट 1000, नॉर्मल लॉस 200, 800, एक्चुअल मेरा ये 2600, 1000, 200, 200, 2400, 800, कॉस्ट पर केजी 3। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट पर केजी क्या हो जाएगा 3। सही है सोनो फ्रेंड्स, इट मींस इन टू 3 आपका टोटल कॉस्ट आएगा 2400। आपका टोटल कॉस्ट क्या आएगा फ्रेंड्स बोलो, 2400। सिंपल इसका प्रोसेस अकाउंट बना देने का। ये वर्किंग नोट जो है आपका, ये जो मैंने आपको वर्किंग नोट बना के दिया है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनपुट, इनपुट के दो पार्ट, नॉर्मल लॉस, देन आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट। आप कैसे भी इंफॉर्मेशन दी है हमको उससे लेना देना नहीं, किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन दे हमको उससे लेना देना नहीं है, हमको उसको अरेंज करना है इस तरह से। आर यू फॉलोइंग नोट, बनाइए फटाफट आपका, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो आपको दे ही रखा है बराबर, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट से आप बनाइए प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट बनाइए। इट मींस दिस इज योर प्रोसेस अकाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, डेबिट क्रेडिट टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड 1000, 1000, 800, 800 बाई नॉर्मल लॉस 200, 200 बाय फिनिश गुड्स
2600, 1800, 2400, 2600, 2400 and 200. Then normal loss account, and then finished goods account to process account 200 to process account 800 to 400 by balance carry forward 800 to 400 and by cash bikega na friends 200 and परफेक्टली क्लियर है। बोलो यस सर, क्लियर है। ये पहला सिचुएशन, बराबर। पहला सिचुएशन क्या है? नॉर्मल सिचुएशन। हमने सोचा था कितना, 800, हमने सोचा था 800 और आउटपुट आ रहा है 800। ओके, इफ एक्चुअल प्रोडक्ट आउटपुट एक्चुअल प्रोडक्शन इक्वल टू ओनली 800, तो आपका ये सिचुएशन हो जाए। ओके, सेकंड में क्या बोल रहा है? इफ एक्चुअल प्रोडक्शन इक्वल टू 700, इट मींस सेकंड सिचुएशन, इफ एक्चुअल, ये मैं क्यों करा रहा हूं तीन तीन मेथड से, ताकि आपका लॉजिक क्लियर हो करके ना। इफ एक्चुअल प्रोडक्शन इक्वल टू 700 केजी, इट मींस इनपुट बोलो 1000 केजी, आउट ऑफ दिस देर इज ए नॉर्मल लॉस, एक्सपेक्टेड आउटपुट नॉर्मल लॉस 200 केजी, एक्सपेक्टेड आउटपुट 800 केजी, एक्चुअल 700 केजी, और आपका एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा ये 100 केजी। सही है सुनो फ्रेंड, क्या हो जाएगा? एक्चुअल प्रोडक्शन 700, इनपुट 1000, नॉर्मल लॉस 200, एक्सपेक्टेड आउटपुट 800, एक्चुअल में 700, एबनॉर्मल लॉस, सब कुछ तो आपको लिखा हुआ दे रखा है करके ना फ्रेंड्स। क्या निकालेंगे? इट मींस कॉस्ट पर केजी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट 2600, इनपुट 1000, नॉर्मल लॉस को सेल करेंगे 1 रुपी के हिसाब से, 200, ये 200, 2400, 800, कॉस्ट पर के जी 3 इंटू 3 2100 इंटू 3, बोलो या सुनो। हर केस में, चाहे वो नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन है, आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स वेन एवर देर इज ए लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, दैट लॉस यू कॉन्ट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, बट इफ यू आर गोइंग टू रिकवर यू कैनॉट सर्वाइव बिकॉज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। सही है सुनो, परफेक्टली क्लियर, नो कन्फ्यूजन। बनाइए आप, अगेन सब आपको दे ही रखा है, बराबर। दिस इज प्रोसेस अकाउंट, फटाफट फटाफट आपको आना चाहिए सॉल्व करना, राइट। ये डेबिट क्रेडिट, राइट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी
टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड, 1000, 1000, 1800, 800. क्या एंट्री पास हो जाएगी? प्रोसेस अकाउंट डेबिट. क्या एंट्री पास होगी बोलो? प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड बाय नॉर्मल लॉस बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड बाय फिनिश गुड्स अकाउंट. सही है सर. बोलो. नॉर्मल लॉस 200 इंटू वन 200, 200 इंटू वन 200, 700, 2100, 2600, 1000, 1000 and 2600. Normal loss account and abnormal loss account. Two process account 200, 200. टू प्रोसेस अकाउंट 100 एंड प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड. प्रोसेस हमें बदले में क्या दे रहा है? नॉर्मल लॉस दे रहा है, एबनॉर्मल लॉस दे रहा है, फिनिश गुड्स दे रहा है. हम लोग नॉर्मल और एबनॉर्मल करके लॉस को क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट? इट मीन्स दोनों को सेल करेंगे. जो पर्सन सेल करेगा वो हमें 1 रुपी के हिसाब से देगा. इट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट बाय कैश अकाउंट 200 बाय कैश अकाउंट 100 और बाकी का कहाँ चला जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज दिस इज योर ओन मिस्टेक. सही है सुना. ये आपका सेकेंड सिचुएशन हो गया इफ द आउटपुट इज 700. सब कुछ तो आपको लिख के दे रखा है करके. ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट आपका हो जाएगा. बोलो. बाकी का जो लॉस बचेगा वो कहाँ चला जाएगा? कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में 200 रुपीज. थर्ड सिचुएशन इफ देर इज ए इफ actual output is, if actual output is 900 kg, it means input 1000 kg, normal loss, expected output, normal loss 200, एक्सपेक्टेड आउटपुट 800, क्योंकि 1000 हम लोगों ने डाला है, नॉर्मल लॉस 200 हुआ, एक्सपेक्टेड आउटपुट 800, एक्चुअल 900 kg, एंड दैट्स व्हाई देयर इज ए एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन ऑफ 100 kg. कॉस्ट पर केजी इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 2600, इनपुट 1000, 200 एंड 200, 3 रुपीज इंटू 3, 2700 इंटू 3. हर केस में, चाहे वो नॉर्मल लॉस है, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन है, योर कॉस्ट पर केजी विल बी द सेम. आपका कॉस्ट पर केजी क्या होगा? सही है सुनो फ्रेंड्स. क्या बोल रहे हैं हम लोग? इनपुट, इनपुट कितना है? 1000 है, उसमें से नॉर्मल लॉस 200 एट द रेट ऑफ 1800, एक्चुअल 2700, एबनॉर्मल गेन. अकाउंट बना लीजिए. इट मींस दिस इज योर
प्रोसेस अकाउंट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड 1000, 1800, 800, सेम वे प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड बाय नॉर्मल लॉस 200, 200। अब आप आ जाइए, क्या दे रखा है, एक्चुअल आउटपुट है आपको 900, इट मींस बाय फिनिश गुड्स 900, 2700 एंड टू एबनॉर्मल गेन 100, 300, 1100, 2900, 2900, 1100। फर्स्ट नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, टू प्रोसेस अकाउंट 200, 200 बाई प्रोसेस अकाउंट 100 and 300। अब जरा ध्यान देना, यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेरीज भी आता है, काफ़ी स्टूडेंट्स मिस्टेक भी करते हैं। देखिए, मैंने इनपुट डाला 1000, मुझे आउटपुट आ रहा है 900, तो लॉस विच इज अवेलेबल फॉर सेल इज ओनली 100। मैंने इनपुट कितना डाला 1000, मुझे आउटपुट कितना आ रहा है 900। मैंने इनपुट डाला 1000, मुझे आउटपुट आ रहा है 900, द लॉस विच इज अवेलेबल फॉर सेल कितना होगा 100, तो मैं 100 ही तो बेच पाऊंगा ना, 100 से ज्यादा कैसे बेच पाऊंगा। तो वही लॉजिक है कि मेरा लॉस है 200, गेन है 100, तो पहले गेन को एडजस्ट करो बाय एबनॉर्मल गेन 100 एंड बाय कैश अकाउंट 100, 100 and 100 एट द डेट ऑफ नॉर्मल लॉस अकाउंट टैली टू नॉर्मल लॉस अकाउंट 100, 100 और बाकी का चला जाएगा टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड 200। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट है, इसको आप बराबर से समझिए। ये आपका लास्ट आ जाएगा फिनिश गुड्स अकाउंट टू प्रोसेस अकाउंट, आपका कितना है 900, 2700 एंड बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 900, 2700। सब कुछ तो आपको दे ही रखा है मैंने आपको, मेन है आपका लॉजिक समझने का है कि आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। इट मीन्स वेन एवर देर इज ए लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, दैट लॉस यू कॉन्ट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, और इफ यू आर गोइंग टू रिकवर यू कैनॉट सर्वाइव बिकॉज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। तो आपका नॉर्मल है चाहे एबनॉर्मल है, चाहे एबनॉर्मल गेन है, आपका जो कॉस्ट पर के जी रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इज सेम। इज दिस क्लियर ऑन ऑल फ्रेंड्स? परफेक्ट। तो हमेशा आपको क्या करना है, नोट नंबर वन पहले आपको क्या बनाना है, वर्किंग नोट, पहले आप वर्किंग नोट बनाइए। ये वर्किंग नोट उसी एग्जामिनर को पता चलेगा कि यह फ्रॉम नानकी कॉस्टिंग, देन यू प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट। आर यू फॉलोइंग? उसके बाद आपको कंसेप्ट यही याद रखना है, अगर एबनॉर्मल गेन है तो हम गेन को सेल, क्योंकि इनपुट मेरा 1000 है, आउटपुट मेरा 900 है, तो लॉस विच इज अवेलेबल फॉर सेल इज ओनली 100, तो मैं 200 कैसे सेल कर सकता हूँ, तो मैं सेल कितना करूंगा 100, और इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि एबनॉर्मल गेन के साथ ये टैली होगा। सो व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस इज द नेम ऑफ टेक्निक टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। देयर आर थ्री टाइप्स। वन इज ए नॉर्मल लॉस, इट इज ए लॉस बिकॉज ऑफ इनहेरेंट नेचर ऑफ मटेरियल एंड दैट्स व्हाई इट इज
अनकंट्रोलेबल, कस्टमर से लेना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस इज ए लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, सो वेन एवर देर इज ए लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, दैट लॉस यू कॉन्ट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर। इफ यू गोइंग टू रिकवर यू कैनॉट सर्वाइव, योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। एबनॉर्मल गेन, इट इज अ गेन बिकॉज ऑफ योर रोंग कैलकुलेशन, सो दैट्स वाई दिस इज कंट्रोलेबल। अगर आपकी वजह से, कुछ मिस्टेक की वजह से अगर आपको गेन हुआ है, यू cannot recover, you cannot give credit to customer, you credit or debit in your P&L account, okay, thank you। उसके बाद अपन questions ले लेते हैं। Are you following friends? ये आपको concept clear हुआ, पहले आप ये बहुत अच्छे से करिए, उसके बाद फिर अपन exams के या जो भी questions हैं DKC के वो ले लेते हैं, okay, thank you।